तो राम राम भाई सरिया ने। तो भाई एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड डालना आ रही थी कि भैया ब्रह्मचारी के ऊपर वीडियो बनाओ और ये वीडियो लेट भी हो रही है, पहले डेली जो फाइल थी वह करप्ट होगी। तो भाई पहला तो हम यह चीज़ समझेंगे, ब्रह्मचारी है कि साइंस के नज़रा में की है और जो वैदिक ज्ञान उसकी नज़र में की है। साइंस की नज़र में तो भाई उनका कहना यो है कि ब्रह्मचार्य का नाश करे थे बुड्ढी पे आपके गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपने थोड़ी सी वाह कमज़ोरी भी फील हो, वह आपकी बॉडी जब रेस्टिंग पीरियड में चली जा है वो उस चीज़ का थोड़ा सा वो है अगर है। और जो वैदिक ज्ञान है वो नु कहे भाई अपना 100 खून की बूंदा थे एक बूंद इसकी बने हैं और अपना जो भोजन का निचोड़ है वो होया करे वो चीज़ ठीक है। तो भाई साइंस नु कहो है बोले इससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है तो इससे फ़ायदा भी क्या है, यह चीज़ भी तो सोचो ना, क्यों फ़ायदा भी होता हो नुकसान ना आता है। तो दूसरी चीज़ भाई मैं अपना तर्क बताऊंगा भाई इस चीज़ पे, मैं नहीं मानता भाई वो डॉक्टर वाली बात ने ठीक है, होता हो ना होता उस चीज़ का हमने कोई मतलब नहीं है, पर जितना मज़ा इस चीज़ ने बाहर काटने मैंने वो 2 मिनट का मज़ा उससे 100 गुना ज़्यादा मज़ा इस चीज़ ने भीतर रखने का है, अपने भीतर स्टोर करोगे ना जब इस चीज़ ने। साइंस नू भी कहो है कि स्टोर करने का कोई फ़ायदा कौन है, क्योंकि 70-75 दिन की इसकी साइकिल होया और उसमें अपने आप डिस्ट्रॉय करके इसने दोबारा तेरी साइकिल कर देगी, फिर दोबारा बनाने लग जाता है, आप करो चाहे ना करो कोई फर्क ना पड़ता, बॉडी अपने आप तो कर लेगी उस चीज़ ने। तो भाई फिर भाई बात आओ फायदा तो कुछ कोई नहीं ना मारा उसमें, तो करना भी क्यों है। तो आपने भाई इस चीज़ तो बचने के तरीके बताऊंगा आपने। एक इसमें 2 बात और ऐड करना चाहूँगा भाई, एक तो आपका भाई भोजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रह्मचार्य में कि आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाओ, ज़्यादा बाहर का ना खाओ, जो अपना सात्विक भोजन है उसकी तरह थोड़ा सा रुक करो, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला बॉडी ने थम्मन नहीं देता, उत्तेजना पैदा करे हैं। और दूसरी चीज़ भाई सोने से कम 1 घंटा पहले आप अपने फ़ोन ने अपने तक दूर धर दो, फ़ोन को पास मत रखो, क्योंकि फ़ोन ने इसी चीज़ है जो आपने इस चीज़ की तरफ आकर्षित करे ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर आपने देखने मिल जाए, उसके चित्र बन जाए, फिर आपका मन भटक जाता है। तो भाई फ़ोन ने दूर धर के सोया करो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। एक तो भाई सबसे पहला आप जो खुद तक कर सको वो तो ये है कि सान ना भाई हमेशा पेशाब करके सो, और कोई भी गर्म चीज़ खा कर कदे मत सो भाई, सान ने सोते आना दूध भी पियो तो वो भी निवाया होना चाहिए और 10-15 मिनट पहला पिया उड़ होना चाहिए दूध भी, गला गल पी कर नहीं सोना है। और दूसरी चीज़ भाई मन पर कंट्रोल क्यों कर करा जा, क्योंकि ब्रह्मचारी है तन तो ज़्यादा मन का है, अगर आपका मन पर कंट्रोल हो गया ना तो तन पर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि मन ने मारा नुकब है यो कर और वो कर, क्योंकि मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। मन पर कंट्रोल क्यों करोगा, एक मात्र उसका तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप भाई कई ढंग तक कर सको हो, अलग अलग हो यार वो आप खुद अपने हिसाब से देख लियो भाई। अगर आप भगवान का नाम लोगे, मेरे हिसाब से राम नाम तो ऊपर मेडिटेशन मैं तो मानता नहीं है क्या इन्हें भी, तो वो मेडिटेशन करो, उसने करोगे ना अपने आप एक मन में स्थिरता पैदा हो जाएगी। टाइम लगेगा, इबे एक बीड़ी की एग्जांपल तो समझाऊंगा थोड़ी सी बात, इबे एक आदमी दिन में 2 बीड़ी पीवे है, या बीड़ी ब्रह्मचारी है मतलब जो ब्रह्मचारी का नाश करे दिन में 2 बार, तय एकदम तब वो उस बीड़ी ने छोड़ेगा तो मानसिक संतुलन हिलने का डर रहा आदमी का, क्योंकि एक कदम छोड़ दिया ना तो नो हो जाएगा दिमाग में वह चीज़ चाले जाएगी, अक यो करना यो नहीं करना यो नहीं करना यो नहीं करना, उसका हर एक चीज़ तो ध्यान हटके अड़े रह जाएगा, इसने रोकने पर ध्यान रह जाएगा और खम्मा खागा दिमाग खराब होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यो है, अगर आप आज 2 बीड़ी पी रहे हो तो 1 कर दो, और फिर वो ये बात है 1 दिन का गैप दे दो, फिर 2 दिन का गैप दे दो, एकदम ना छूटा भाई इस चीज़ में, गैप देते जाना पड़ेगा आपने, जब जाके यह चीज़ छूटेगी, एक टाइम के बाद आपने बेरा ना पाटे याद देना रहो यह चीज़। और भाई भगवान का नाम लो, बस यह छोटी सी चीज़ है, अगर समझ माओ तो भाई जब भी ठीक करना समझ माओ तो भाई आपकी खुद की मर्जी है, आप किसकी सुनना चाहो, वैद्य की सुनना चाहो हो या फिर आप भाई साइंस की सुनना चाहो हो, वो आपकी मर्जी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने लग रहा हूँ कि इस चीज़ ने अगर आप ना करोगे ना बढ़िया मेहनत करना रहे हो, खाना करे हो पीना करे हो, तो भाई एक बॉडी में न्यारा स्टेमिना होया अगर है वो चीज़ आप किसी भी मतलब पहलवान नाम देख सको हो। एक नॉर्मल आदमी उड़े एक बार छक्का जिम कर रहा आदमी ठीक है सब कुछ खावे है, पर एक बार उसने ने खाड़े में लिया हो उसका स्टेमिना चेक करनी थी, 0 पाओगा 0, 5 मिनट में सारा स्टेमिना ख़त्म, क्यों
क्योंकि भीतर तो थोथा हो लिया, वो थोतला हो लिया, क्योंकि वह वाली बात हो, अगर एक कोई घड़ा है उसमें अगर छेद होगा ना तो उसने कितना परहेज होगा, वो तो रितेगा। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का। और बहुत सारी चीज़ है भाई करण ने धरती पे, इस चीज़ ने 25 साल तक हर आदमी ने ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसके बाद जब आप ग्रस्त जीवन में जाओ, जब जाकर आप संतान उत्पत्ति थी इस चीज़ का प्रयोग कर सको। और भाई जो आदमी एक नारी का नर होगा, जो मतलब एक स्त्री तय के साथ होगा, जो कर जिस गल विवाह होया है उसके साथे है वो, तब वो भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आता है। तो भाई यह इतनी छोटी सी बात थी, अगर समझ में आओ तो जब भी ठीक है ना हो भाई, जब भी ठीक है। और भाई हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, खाते पीते रहो। और जाते जाते फिर एक के बात कहूँगा, भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी तो कम नहीं।